उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के शमशाबाद गांव के एक ट्रक में भरकर गौवंश को ले जाया जा रहा था। जैसे ही गौवंश ट्रक में होने की सूचना गांव के लोगों को हुई तो गांव के लोगों ने ट्रक को रोक लिया और उसके बाद एक ट्रक चालक को की जमकर पिटाई कर दी। मौका पाकर ट्रक चालक फरार हो गया और मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में भरे गौवंशों को बाहर निकाला। फरार हुए ट्रक चालक की तलाश में भी जुट गई है। और आपको बता दें कि मथुरा के थाना क्षेत्र के शमशाबाद गांव में गौवंश से भरा ट्रक शमशाबाद गांव से होकर राजस्थान के लिए जा रहा था। जब गांव के लोगों को इस ट्रक पर कुछ संदेह हुआ तो गांव के लोगों ने ट्रक को रुकवा लिया और जब इसकी तलाशी ली गई तो ट्रक में गौवंश को देख ग्रामीणों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस ट्रक में 21 की संख्या में गौवंश भरा हुआ था जिसमें 11 गौवंश मृत पाए गए हैं और बाकी जिंदा थीं। ट्रक चालक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी है और मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक में भरे गौवंशों को ट्रक से बाहर निकलवाया। मृत मवेशियों के ग्रामीणों की सहायता से उनका क्रियाक्रम कराया गया और बेहोशी की हालत में जो मवेशी थे उन्हें डॉक्टर को बुलाकर उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। मामले की सूचना जैसे ही SDM सदर को हुई वो भी सूचना मिलते मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं मौका पाकर ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखकर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये घाना शमशाबाद गांव है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर भी पड़ता है। तो यहाँ पे सुबह एक ट्रक गांव वालों को मिला जो त्रिपाल से ढका हुआ था, तो उसका एक्सल टूट जाने के कारण ड्राइवर ने संभवतः जो भी थे ट्रक छोड़ के भाग गए थे। तो उसको त्रिपाल हटाने के बाद इसमें देखा कि इसमें कुछ गायें थी, करीब 21 गायें थी इसमें, और एक के ऊपर एक इसमें लादा हुआ था और बड़ी उसमें से डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है। उसमें लगभग 10 गाँव को हम लोगों ने बचा लिया है और जो गाँव को हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग बचा नहीं सके हैं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। तो कितनी गायें सर मर चुकी हैं इसमें अभी तक? अभी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हम अधिक से अधिक जितनी गाँव को बचा सकते हैं उसके बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट है करीब 10 गाँव को तो हम लोग बचा लिए हैं, एक दो जो सीरियस हैं तो उसके लिए भी लगा हुए हैं। कहाँ से आ रही थी ये गाय? ये जो गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर तो हरियाणा का नंबर है, लेकिन यहाँ हरियाणा का बॉर्डर तो नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर है, ये रास्ता उधर से आता है, तो संभवतः ये कहीं उधर से आ रही है राजस्थान की तरफ से। जा कहाँ रही थी? अब ये तो अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी जो ट्रक में जो भी दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच की जाएगी और जो भी नंबर वंबर ट्रैक कर। कोई आरोपी भी पकड़ा है क्या? नहीं, क्योंकि ट्रक ये समोता गांव वाले बता रहे हैं रात की या अर्ली मॉर्निंग की घटना है, तो जो भी लोग थे ट्रक से कोई था नहीं, सब भाग गए थे, सामने रेलवे ट्रैक है इधर से कोई भाग गए थे। तो उसके बाद लेकिन ये जो कागज हैं और जो ट्रक का नंबर है इन सबसे ट्रैक करके पकड़ लिया जाएगा। के बाद में हर बच्चा भाग के आता है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में हमारे नेताजी अभी तक आए नहीं, इसका क्या मतलब है? हमने उनको चुना, हमने हमारे पूरे गांव ने सहयोग किया, आज मां मरने पर किसी को 1% किसी को एक उत्तर भी निकली आज तक भी नहीं। मां मरने पर आता है आदमी दौड़ करके, जब माँ कहते हैं माँ ये मैं मेरी माँ है, मेरी माँ कहने से कुछ नहीं होता, भाषण देने में क्या होता है, भाषण देने करके यहाँ आते गाय माँ को देखते उनकी हेल्प करते तब तो करते वोट मांगा तो नहीं वोट मांगने के लिए हिंदू और हम ब्राह्मण है, हम परशुराम बन करके सबको सब कुछ करने के लिए तैयार है, हम परशुराम वंशी हैं। जय परशुराम। रिफाइनरी अंतर्गत थाना शमशाबाद गांव में एक ट्रक में मवेशी होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसमें कुल 21 गाय एवं बछड़े तथा बैल मिलाकर के 21 पशु हैं, जिसमें 11 पशुओं की मृत्यु हो गई है, शेष 10 का उपचार चल रहा है जो कि संभवतः जीवित हैं और ठीक हो जाएंगे जल्दी, शेष आवश्यक और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आ रही थी ये सब गाड़ी? ये हरियाणा नंबर है गाड़ी का, गाड़ी के जो ड्राइवर वो थे सब भाग गए हैं, मौके पर गाड़ी पकड़ गई, अभी ट्रेस किया जा रहा है, पूरी छानबीन की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।